Good morning, students. Welcome once again to your own program. English is fun. Students, how are you feeling today? I hope you all are excited for today's task. But before beginning today's plan, let me tell you a joke. Are you ready to laugh? Okay, so here is the joke. एक बार क्या होता है कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं। हस्बैंड बहुत एजुकेटेड होता है, बट वाइफ बहुत ही इलिटरेट मींस अनपढ़ रहती है। वन डे हस्बैंड को एक पार्टी में जाना होता है, एंड वो भी अपनी वाइफ के साथ। उसके सारे फ्रेंड्स एजुकेटेड थे और उन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि हस्बैंड की जो वाइफ है वो अनपढ़ है। सो हस्बैंड क्या करता है कि अपनी वाइफ से कहता है कि अगर तुमसे कोई पूछे कि आप कौन हो, तो तुम कहना ये मेरे हस्बैंड हैं और मैं इनकी वाइफ हूँ। हस्बैंड 3 times अपनी वाइफ को यही चीज लर्न कराता है और कहता है अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो वाइफ कहती है नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन वो पार्टी में जाते हैं एंड वाइफ से एक पर्सन पूछता है आप कौन। तो वाइफ कहती है ये मेरे हैंडपंप है और मैं इनकी पाइप हूँ। ये सुनके पार्टी में सारे लोग हंसने लगते हैं। कैन यू टेल मी व्हाई, ऐसा क्यों होता है? ओके, मैं बताऊं। बिकॉज उसकी इंग्लिश नंबर 1 की होती है ना स्टूडेंट्स। इट हैपेंस बिकॉज एवरीवन लव्स एट स्टूपिड एंड अनएजुकेटेड पीपल। क्या आप भी यही चाहते हो कि सब आप पर लाफ करें? नहीं ना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टडी रेगुलरली। आई एम नॉट सेइंग टू स्टडी होल डे, बट जब भी स्टडी करो अच्छे से करो। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी हैव अटेम्प्ट द टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस, बट इन टुडेस वीडियो विल नो अबाउट सिंगुलर एंड प्लूरल एज वेल एज अरेंज द लेटर्स इन ऑर्डर टू मेक करेक्ट वर्ड। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स राइट। द मंकी रोड टू हिज मदर I look awful. He made 2 mistakes. What are they? Write the sentence correctly. Means, monkey ने अपनी मम्मी को राइट करके बताया I look awful. उसने 2 mistakes भी की हैं। वो कौन सी mistakes हैं? आपको sentence को correct करके write करना है। आपको याद है हमने हल्दी adventures में कुछ ऐसे ही mistakes को सही किया था? In the same way, you have to correct this statement also. Students, may I show you one picture? But before showing you the picture, here are some sets of letters. ये सारे letters अपने right place पे नहीं हैं। एक जोर की हवा चली और ये सारे letters अपना अपना घर भूल गए। So, help me to identify the place. अच्छा, तो शायद ये G front में रहेगा। And then I. After that, R and at the last should be L. अरे वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। Wonderful, that's girl. So students, in the same way, here are some sets of letters. You have to put the letters in order to make a word to have been done for you. That means, आपको क्या करना है? ये सारे उल्टे सीधे letters एक सही order में लगाने हैं। और 2 words तो आपके लिए पहले से कर दिए गए हैं। Now let's come to the next exercise, singular and plural. अब आप कहोगे, अरे ये मैम बीना कहाँ कहाँ से न्यू नेम्स लेके आ जाती हैं? अब ये सिंगुलर एंड प्लूरल क्या है? स्टूडेंट्स, इन सिंगुलर वी टॉक अबाउट ओनली वन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल,
स्कूल टाइगर, कैट पैरेट, एप्पल एटसेट्रा. ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स दे आर नोन एज प्लूरल. प्लूरल में हमेशा वन से ज्यादा ऑब्जेक्ट की बात होती है. फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स, टाइगर्स, कैट्स, पैरेट्स, एप्पल्स एटसेट्रा. लेट्स नाउ नो दिस कॉन्सेप्ट इन दिस वे. वन स्कूल, टू स्कूल्स, वन टाइगर, थ्री टाइगर्स, वन कैट, एट कैट्स, वन पैरेट, फोर पैरेट्स, वन एप्पल, 11 एप्पल्स. स्टूडेंट्स डिड यू नोटिस ये सारे वन से ज्यादा कैसे हो गए? ओनली बाय एडिंग एस एट लास्ट. सो इन द सेम वे यू हैव टू अटेम्प्ट द वर्कशीट गिवन इन दिस मॉड्यूल. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. लुक एट द पिक्चर्स, काउंट एंड राइट. दैट मींस अब आपको क्या करना है? पिक्चर को देखना है, काउंट करना है और क्या दिखा देना है कि मेरे बच्चे कितने स्मार्ट हैं. That's it for today, kids. With this module, I conclude the chapter. I hope by the end of this module, my students are able to realize the precious things gifted by God. So, my dear students, whenever you get time, appreciate God because He is always watching us. Till then, keep praising, be thankful. Thanks for watching. See you in next video. Bye-bye.